बादल कराची के करीब पहुंच गए। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में हब्स का राज आज रिमझिम का इम्कान। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मीना बरसते ही इसको नवाब शाह का पुल भी खुल गया। 65 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासर। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मतलाबर आलूद। वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई और मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दुनिया को लाइव दिखाया जाने वाला हर इंटरनेशनल मैच फिक्स होता है, जिसका डायरेक्टर नामालूम, अंडरवर्ल्ड माफिया और खिलाड़ी एक्टर होता है। 2000 मैच फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार संजीव चावला ने बड़े रास्ते पर्दा उठाया। कहते हैं फिक्सिंग से पीछे हटने से खिलाड़ी जान से भी हाथ धो बैठता है। माजी में स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का सहारा लिया गया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान हनीफ खान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले 1983 में स्मगलिंग के लिए हॉकी टीम को इस्तेमाल किया गया। अब किसी भी मिल की बात कर लें, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, सबके ऊपर पूरा जो फोरेंसिक हुआ है, जो चीज जिस तरह से आई है वो सबके सामने रख दी गई है। चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, उस मिल के मालिक का, उसको बिल्कुल नहीं माफ किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट, शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम ने रिपोर्ट पब्लिक करके कौम से किया वादा पूरा किया। रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात के साथ परेशानकुन चीजें भी हैं। मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वजीर आजम पर जाता है, इमरान खान पर। उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे, तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। अवाम 90 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। अवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार, असद उमर है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चीनी बहरान पर हटाए गए वफाकी सेक्रेटरी फूड हाशिम, डीपी वेमरा तायुनात। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के तायुनाती की मंजूरी दी। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल्लाह ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। एटमी धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने किया, नवाज शरीफ ने मुखालिफत की थी। शेख रशीद का नया दावा अगले 90 दिन सियासी के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। गिरा फरोश बेखौफ होकर अवाम को लूटने में मसरूफ। आटा, चीनी, दालें, फल समेत हर चीज गरीब की पहुंच से दूर। इंतजामिया कीमतें कम कराने में मुकम्मल नाकाम। आटे की कीमत एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। 6 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़कर 925 रुपए हो गई। अवाम सर पीट कर रह गए।